याद करेंगे। अब देखिए, राम एक साझेदार है, वह प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1000 रुपए आहरित करता है, प्रत्येक माह के प्रथम दिन 1000 रुपए आहरित करता है, यानी कि वो 12 महीने तक निकालेगा पैसे, तो 12000 रुपए निकाले उसने, कितने निकाले 12000। अब आपको पता है कि ब्याज की दर दे रखी है, ब्याज की दर दे रखी है 6% वार्षिक, ब्याज की दर कितनी है 6% वार्षिक है, ठीक है। अब अवधि नहीं आएगी पेपर में, आप पेपर में लिखा हुआ आएगा कि 1 वर्ष के लिए राम के ब्याज ज्ञात कीजिए, ये दोनों बातें दे रखी है। तो हम देखो 12000 तो उसका मूलधन हो गया, 6% ब्याज हो गई, अवधि नहीं दे रखी है, फिर भी हम अवधि कौन सी लिखेंगे 6.5 माह, क्या लिखेंगे, क्योंकि उस प्रश्न में प्रथम दिन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है प्रथम दिन, अतः हम 6.5 महीने लेंगे, 6.5 महीने होने की वजह से नीचे 12 आएगा, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, 1210 कट गए, 10 से 10 कट गया, 12 से 12 कट गए। अब देखिए, यदि हम इसको गुणा करेंगे 6×5=30, 3×6=36 और 3×39 390 रुपए ब्याज बना, ब्याज की राशि कितनी है उसकी, राम की 390 रुपए। अब देखो दूसरा उदाहरण देखो, श्याम नाम का एक बंदा है, श्याम नाम का एक साझेदार है, ये हर महीने के कितने निकालता है 2000, लेकिन ये माह के मध्य में निकालता है, यानी कि वो 15 जनवरी, 15 फरवरी, 15 मार्च, 15 अप्रैल, यानी कि 15वें दिन ही पैसे निकालेगा, 2000 रुपए निकाल रहा है, और ब्याज की दर वही है, ब्याज दर दे रखी है सवाल में 6% वार्षिक है। अब देखो 2000 रुपए से 12 महीने तक वह 24000 रुपए निकालेगा, कितने रुपए निकाल रहे हैं 24000, ब्याज की दर कितनी दी हुई है 6%, यानी कि 6/100 आएगा। अब हमें, हमारे पास समय नहीं है, ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय, समय में हम क्या लेंगे, चूंकि सवाल के अंदर ये लाइन लिखी हुई मिलेगी आपको माह के मध्य में, अतः हम 6 माह का ब्याज निकालेंगे, कितना निकालेंगे 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, अतः आएगा 6/12, 2 0 से 2 0 कट गए, इस 6 से 12 कट गए, नीचे 2 आ गए, इस 2 से ऊपर काटो 3 आ गए, और इसको जब इससे गुणा करेंगे 240 को 3 से, तो 720 रुपए बने ब्याज के, अतः शाम से जो ब्याज वसूला जाएगा वह 720 रुपए होगा। एक और सवाल हम लास्ट उदाहरण देखते हैं माह के अंतिम दिवस वाला, कि शाम एक साझेदार है, शाम एक साझेदार है, और शाम हर महीने की अंतिम तिथि को 1500 रुपए व्यापार से निकालता है, हर महीने की अंतिम तिथि को 1500 रुपए निकालता है, और ब्याज की दर दे रखी है 6% वार्षिक है, और आपको शाम, सॉरी ये मोहन कर दो, मोहन एक साझेदार है, 1500 रुपए मासिक की दर से 12 महीने तक माह की अंतिम तिथि को आहरण करता है, 6% वार्षिक दर से उसके 1 वर्ष का ब्याज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 1500 को गुणा करेंगे 12 से, यानी कि 12 महीने तक वो 18000 रुपए निकाल लेगा, उसने पैसा कितना निकाला 18000 रुपए निकाला, ब्याज की दर दे रखी है कितनी है 6%, हम 6/100 लिख देंगे, समय नहीं दे रखा है, लेकिन हमें पता है कि वो माह की किस तिथि को आरंभ करता है, अंतिम तिथि को आरंभ करता है, अतः जब माह की अंतिम तिथि को आहरण किया जाता है तो 5.5 महीने का ब्याज औसत वसूला जाता है, अतः हम उसके आगे लिखेंगे 5.5 महीने, महीने होने की वजह से नीचे 12 आएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आएगा, 1 0 से 1 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, तीसरे 0 से तीसरा 0, 6 से काटो नीचे 2 आ गए, 2 से काटो ऊपर 9 आ गए, अब इसको 9 से गुणा करेंगे, 9×45, 9×45 और 4×49, यानी कि 495 रुपए ब्याज हम किससे वसूल करेंगे, मोहन से वसूल करेंगे। इस प्रकार से ये हमारा सवाल खत्म होता है। थैंक यू।